तो हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं ब्लूजम एक्सोटिका जो कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के मतलब पास में ही है। तो हम लोग डिब्रूगढ़ के ब्लूजम एक्सोटिका वहीं पर आए हैं और यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगा था आकर। आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना। हम लोग यहाँ में हॉस्टल की तरफ से आए थे, मैं, मेरे सर और फिर यहाँ में ये दीदी है, दोनों ही दीदी है। और यहाँ में सर जो है, यहाँ में मतलब टिकट काउंटर में यहाँ में टिकट लेना पड़ता है। और फिर हम लोग अंदर में आके देखते हैं ये दोनों छोटा छोटा मतलब पप्पी जो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ना, वाइट कलर का था, बहुत प्यारा था। और हम लोग जिस दिन गए तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और ये रहा ब्लूजम एक्सोटिका बोट पॉइंट। और आप लोग यहाँ में जो है इससे मतलब नाव में जाके मज़े ले सकते। और ये वाइट कलर का जो नाव है ना, वो मतलब न्यू लाया था, आज ही लाया था। तो ये लोग देख रहे थे कि ये न्यू जो नाव है ना, ये पता नहीं 40-50,000 ऐसे कुछ बोल रहे थे वो लोग, मैंने ऐसे सुना था। तो ये रहा जो कि ब्लूजम एक्सोटिका है, ऐसे मतलब चारों तरफ ऐसे, इसको क्या बोलते हैं आसामीस में, बिल बोलते हैं ना, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे उसके ऊपर में बहुत अच्छे से सजा के रखे हुए। और यहाँ में जो है टी गार्डन है, मतलब उसके ऊपर में ऐसे मतलब वो झूला बना के रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से बना के रखे हुए हैं। और मैं जो सर लोगों को झुला रही हूँ, जो कि सर लोग यहाँ में उठ के वो बहुत अच्छे से मज़े कर रहे थे, और मैं जो सर लोगों को झूला झूला रही थी, और मेरा तो काम ही क्या है। और यहाँ में आप लोग देख सकते कितना अच्छा से हरियाली दिख, उसके ऊपर में दलंग है। और फिर हम लोग चल देते हैं दूसरी ओर। और यहाँ में एक बहुत ही चाहिए जो है झूलना दलंग है, इसको झूलना दलंग बोलते हैं। और मैं इसके ऊपर में उठ के ना बहुत ज़्यादा पहले तो डर रही थी, ये तो कहीं टूट वूट तो नहीं जाएगा। तो फिर सर ने कहा कि नहीं, ये नहीं टूटेगा, तुम पहले जाओ। तो मैं जब बीच में आ गया तो मुझे बहुत मज़ा लग रहा था। देख लीजिए आप लोग ये दलंग कैसा, ये ऐसे है ना, उस पार से इस पार तक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसे डर लग रहा था, मतलब ये तो वो बांस का है ना। तो मैं वहाँ से पटापट से नाम गई, जो कि सर लोग भी बोल रहे थे जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो मैंने बोला ठीक है सर, चलती हूँ। तो हम लोग वहाँ से निकल के, हम लोगों ने भी ग्रीन टी पकोड़ा और एक मतलब मिल्क टी, हाँ, उसके बाद में ठंडा मौसम था और कुछ खाया नहीं है, वो खाया और मैं खाने के बाद में निकल गए। और ये रहा नाम घर, जो कि यहाँ में सभी लोग यहाँ में पूजा करते हैं, आसाम में इसे ये नाम घर बोलते हैं इसको। और फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद में जो है विशाल मार्केट गए थे, क्योंकि शॉपिंग भी थोड़ा सा करना था, मैं, मेरी दीदी, हम लोग तो बस ऐसे हॉस्टल के लड़के ऐसे जाते रहते हैं ना। तो वहाँ में जाके हम लोगों ने थोड़ा सा शॉपिंग किया। शॉपिंग करने के बाद में जो है हम लोग ने जूस पिया थोड़ा सा, वो गन्ने का जूस था और फिर अनार का जूस था, तो हम लोगों ने पिया। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना मेरा वीडियो।